दिन से आंदोलन पर डटे हुए हैं। आज हम घर से जो दाल चावल सब्जी लाए थे मेरे पास खत्म हो गया 29 दिन से। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचे। हम एक टाइम माड़ भात आलू चोखा भात खा के यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे, मेरे पास अब वो भी नहीं बचा हुआ, जिस वजह से आज ये नौबत आ पड़ी कि हम भिक्षाटन कर रहे हैं। और रही बात, आज हम भिक्षाटन करके जितना मेरा जो उपलब्ध होगा मेरे पास 10-12 दिन बाद फिर हम भिक्षाटन करेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे, नहीं तो हम भिक्षाटन करके कैसो भी करके यहाँ पे मर के भी गुजारा करेंगे और अपनी मांग पूरा करके जाएंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। पेमेंट किधर होना है? पैसे जो दे रहे हैं उसको धन्यवाद दीजिए, ये सभी दे रहे हैं। सरकार नहीं सुन रहे भैया, आप लोग अपने स्तर से जो सामर्थ्य है, हम लोग एक महीना से आज यहाँ बैठे हैं, हमारे पेट पर लात मारने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम जनता के अदालत में आए हैं। यदि आप लोग सही समझते हैं, अगर सत्य के मार्ग पर हैं, तो अपने स्तर से जो भी सामर्थ्य है, जो भी इच्छा है, सहयोग कीजिए। और हमारा क्या भैया, जैसे हम लोग हमें नोट की नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, 5 साल सेवा 4 साल की है, और सरकार एक महीना से हम आवाज़ बुलंद करें, सरकार नहीं सुन रही, इसलिए जनता की अदालत में आए हैं। जो भी 2 रुपया 5 रुपया जो भी आपके स्तर से सहयोग हो, हमें सहयोग दीजिए और सरकार तक हम अपने मांगों को पहुँचाएँगे। के साथ देखिए, यहाँ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में अब इसको कई दिनों से सहायक आंदोलन कर रहे हैं। मैम, ये छोटे से बच्चे को लेकर क्यों सड़कों पे घूम रहे हैं? हम लोग की राशन पानी ख़त्म हो गया है, हम लोग 29 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बातों मांगों को लेकर कोई हलचल में नहीं है, और इसी कारण से हमारा राशन पानी ख़त्म हो गया। इस कारण से हम भिक्षाटन करना पड़ रहा है अपना रोज़ दिन का आर्थिक जो खाना पीना है उनके लिए। सोचा था कभी कि ये दिन भी देखना पड़ेगा कि वर्दी पहन के भी भीख मांगने की जरूरत पड़ जाए? ये तो कभी नहीं सोचे थे, पर अब शर्म लगता है कि हम लोग वर्दी क्यों पहने उस समय। ऐसा भी दिन आएगा ये नहीं सोचे थे हम लोग। सोचे थे कि हम लोग का कुछ आगे जरूर होगा, कुछ अच्छा। किसको जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार जो भी किया, पर जो अभी वर्तमान में है उनको तो हमारे लिए सोचना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी है, अगर कोई बेटा अगर गलती करता है तो पिताजी उसको घर से नहीं, उसको सुधार के आगे बढ़ाया जाता है। उसी रीति से सरकार को भी करना चाहिए हमारे लिए। लोग हैं और हम इन्हें मदद कर रहे हैं जो हमसे हो पाता जा रहा है। सहयोग कर दीजिए दादा, स्वेच्छा से जो भी सामर्थ्य है, जो भी इच्छा है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। हम लोग के पास खाने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं बचा। सहयोग राशि मांगा जा रहा है सहायक पुलिसकर्मियों से, भैया जो भी अपने स्तर से हो रह सके, खा सके। ये तस्वीरें सहायक पुलिस की है, 24 महिलाएं भी कई सारे बच्चों के साथ अपने इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और 150-200 जो भी दुकानदारों के पास बंद पड़ रहा है वो दे रहे हैं इनको, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मियों के लिए बगल के लोग, अगल बगल के लोग ये 4 साल आप लोगों का सेवा की है, सरकार हम लोगों को कुछ नहीं दे रही है, इसलिए आज हम लोग भीख मांगने पे उतारू हो गए। भाई बेटा समझ कर हम लोगों को भीख दीजिए, ताकि हम लोग खाने के लिए हमारे पास कुछ कम बचा है, ताकि हम लोग अपना व्यवस्था कर सके, आंदोलन बढ़ा सके, ताकि यहाँ से बाहर जाए और आप लोग का सेवा करें, हम लोग का सुरक्षा करें। पीछे आना भाई, पीछे आना भाई। क्यों ऐसा ना बताए?